नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। देश में जारी है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटों में 3,68,000 नए केसेस, 3,417 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन रोगियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं मरने वालों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। हर दिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 3,68,000 नए केसेस आए, जबकि 24 घंटों में 3,417 मरीजों ने जान गंवाई। वहीं 3,07,032 लोगों ने कोरोना वायरस को हराया। अब जानते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति आखिर आज कैसी है। कुल कोरोना मामले 1,99,25,604, कुल डिस्चार्ज 1,62,93,003, कुल मौतें 2,18,959, कुल एक्टिव केस 34,13,642, कुल टीकाकरण 15,71,98,207 लोगों को डोज दी गई। रविवार के मुकाबले आज कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। रविवार को भारत में 3,92,488 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3,689 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं 3,07,865 लोगों ने कोरोना को हराया है। जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ की मारपीट। पुलिस हस्तक्षेप से संभला मामला। मरीज से उनके परिजनों को नहीं मिलने देने को लेकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार रात इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में भारी तनाव देखा गया। गौरतलब है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न अस्पतालों में परिजनों के अस्पताल में प्रवेश की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बताया जाता है कि कल रात सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में निर्धारित समय के बाद मरीज के परिवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस बात से नाराज होकर मरीज के परिजन और सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच मरीज के परिजन द्वारा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की बातें कही जा रही है। इधर खबर मिलते ही सिलीगुड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू कर लिया गया। दूसरी ओर मरीज के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उसके ससुर फिसल कर नीचे गिर गए थे, उनके सिर पर गहरा आघात लगा है। गंभीर हालत में उन्हें सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल रात उनके ससुर ने अपने परिवार को फोन किया, इसके बाद वे लोग उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इधर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मरीज के परिवार ने कहा कि सुरक्षा गार्डो ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और अश्लील भाषा में उनके साथ बात की। मरीज के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड का पति उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर महिला सुरक्षा गार्ड ने कहा कि मरीज के परिवार वाले समय पर भोजन नहीं लाए, निर्धारित समय के बाद भोजन लेकर अस्पताल पहुंचे। जब उन्हें रोका गया तो उस व्यक्ति ने एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। घटना हुआ, हम लोग का पेशेंट सीरियस, मेरा ससुर गिर गया, गिर के सर में 15 को सिलाई पड़ा, पूरा बोमी कर रहा था। तो हम लोग को बोला कि भर्ती करने पड़ेगा, सीरियस अवस्था है, तो हम लोग भर्ती कर दिए, ठीक है। बाद में मेरा ससुर बोला कि फोन करके डॉक्टर आया, तो लोग जल्दी आ, दो आदमी। तो मेरा सास और हम ये अंदर में, तो हम लोग को बोल रहा है घुटने नहीं देगा, दुखने नहीं देगा। हम लोग बोला अभी आया है डॉक्टर, हम लोग को थोड़ा सा बात करना है। मैडम हम लोग को जाने दीजिए। बता नहीं जाने देगा,
हाथापाई करने लगा, वहाँ गार्ड लोग भी, दो चार तो लड़का भी था, उसके बाद उसका घर का आदमी आया हम लोग को बोलता है क्या, एक लेडीज था वो बोला हम लोग को पहले टकला करेगा, टकला करके लंका मारेगा हॉस्पिटल में, ठीक है बोलता है हॉस्पिटल में लंका करके घुड़ा घुड़ा के मारेगा, लोग को टकला करेगा। এত কিছু থেকেও তো আমরা ডিডি করে যাচ্ছি, ঠিক আছে, মানুষ প্রতিদিন মরে যাচ্ছে, তাও আমরা ডিডি করে যাচ্ছি। তিনজন আসলো, বললো ঢুকবে, খাবার নিয়ে আসলো, অন টাইমে আসছে, এখানে ভিজিটিং টাইম হলো 4টা থেকে 6টা। হ্যাঁ, ওর মধ্যে পেশেন্ট বাটির আমি ছাড়ি, হ্যাঁ ছেড়ে দিই, খাবার নিয়ে আসছে, বললো ঢুকবে, আমি বলছি কি একজন যান খাবার নিয়ে, ওরা বলে কি না তিনজনে যাবো, আমি বলছি না তিনজন যাওয়া হবে না, কারণ এখন ভিজিটিং টাইম না, একজনই যেতে পারবে। তারপরে আরেকজন ছিল আমার সঙ্গে রতনদা, ওর উপরে পুরো চিল্লায় উঠলো, মানে গায়ে হাত দিতে যাবে, তখন আমি বললাম কি দিদি এখন কিন্তু যাওয়া যাবে না, ফট করে বললো পুরো গালাগালি, নোংরা নোংরা ভাষা, ওই ভাষা আমরা বলতে পারবো না, ফট করে এসে আমার মুখের মধ্যে থাপড় মারলো একটা, আর পেটের মধ্যে লাঠি মারলো, আর গালাগালি তো দিয়েই যাচ্ছিল। দুজন ছিল, তিনজন ছিল, হ্যাঁ দুজন মহিলা পুরো গায়ে হাত দিছে, আরেকজন দাঁড়া দাঁড়া পুরো নোংরা নোংরা, আমরা বলে এখানে বিজনেস করতে আসছি, হ্যাঁ এতদিন থেকে 4 বছর হয়ে গেলাম এখানে ডিউটি করছি, কোনোদিন আজ পর্যন্ত কোন পার্টির সাথে আমার এরকম ঝামেলা হয়নি। তিনজন মহিলা বলছিল ভিতরে ঢুকবে, তা আমি ঢুকতে দেই নাই, খাবার নিয়ে আসে, আমি বলছি একজন যান, হ্যাঁ কেন উপরে পজিটিভ পেশেন্ট থাকে, পজিটিভ পেশেন্ট থাকে আমরা ঢুকতে দেই না বেশি, বাড়ির লোককে খালি ঢুকতে দিই 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত, ঢুকতে দেই নাই দেখে আমাকে যে থাপড় মেরেছে আর পেটের মধ্যে লাঠি মেরেছে, আর যা তা আমরা বলে বিজনেস করতে আসছি, আমরা বলে ডিউটি করতে আসি না, এখানে বলে বিজনেস করতে আসছি, আরো তো সবাই ছেলে খুব নোংরা নোংরা ভাষা বলছে, আমরা বলতে পারবো না কেন কি 4 বছর হলো ডিউটি করছে এখানে, কোনোদিন আজ পর্যন্ত কারো গায়ে হাত তুলি নেই আমরা, আমার ব্যাপারে কেউ বলতে পারবে না আমি কোনো পেশেন্ট পার্টিকে আজ পর্যন্ত মারছি, আমরা শুধু মারই খাই গেছি, এই যে আজকে যেভাবে মার খাচ্ছি না কেউ ওইভাবে অন্য কেউ হলে ছেড়ে চলে যেত। কতজন এসেছিল, কেন মারলো, হঠাৎ করে মারলো কেন, ছাড়বো না দেখে ওর জন্য খাবার নিয়ে আসছে, একজন যাও, একজন যাবেন, ওরা বলেন আমরা 4-5 জন যাবো, বলতে বলতে আমরা গায়ে জোরে সবগুলো যাবো একসঙ্গে, আমরা সবাইকে 4-5 জন আটকালাম, বলে কিনা আমরা শুনবো না, আমরা 4-5 জন যাবো, আমরা বলছি একজন যান আপনারা, এটাই শুনতে যাচ্ছে না, এটাই হচ্ছে ব্যাপার, বলছি আপনারা একজন যান, উপরে যাওয়ার কোনো নিয়ম নাই, সিস্টেম নাই, আপনারা একজন যান, খাবার নিয়ে যান, মেডিসিন নিয়ে যান, আমরা কিছু করবো না, কিন্তু হুড়মুড়ায় ওরা 4-5 জন যাচ্ছে, ধাক্কা কি করতে গেলাম, বেশিরভাগ যে ডাঙ্গি পাড়ার যে থাকে পেশেন্ট যদি ভর্তি হয় ওই ডাঙ্গি পাড়ার ছেলেমেয়েই বেশি ঝামেলা করে, আর যে সাধারণ পাবলিক আছে অন্য অন্য জায়গার থেকে আসে তো ঝামেলা করে, ডাঙ্গি পাড়া যখনই পেশেন্ট ভর্তি হয় তখনই ঝামেলা করে। शहर को सैनिटाइज करने की मुहिम चला रहा है एक व्यवसायी, लोगों में फैला रहा है जागरूकता अभियान, देश भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर शहर के व्यापारियों ने अपनी पहल पर शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज करने का पहल शुरू कर दिया है। आंशिक लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी के एक व्यवसायी उत्तम चैटर्जी अपने प्रयास से हर दिन सुबह 5 बजे से सिलीगुड़ी शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। केवल शहर को सैनिटाइज ही नहीं बल्कि अपने कारोबार के साथ साथ वे लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चैटर्जी ने कहा कि दोस्तों और अन्य व्यवसायियों के सहयोग से उन्हें काम में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि शहर के लोग अगर स्वस्थ रहे तो कोरोना महामारी में मुकाबला संभव है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए स्वस्थ विधियों का पूरी तरीके से पालन करने का। আমার এলাকাটাও একটু বড় হয়ে গেছে, বন্ধু বান্ধব যেখানে থাকে তুই আমার বাড়ির সামনে তো যাস না, তো যেতে হচ্ছে, তো করার পরে আর ওই মোড়ে এখন মানে সচেতন হচ্ছে লোক, কিন্তু কার জন্য হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, পুলিশের জন্যই হচ্ছে না, আমি ওই মোড়ে দাঁড়ায় থাকি আমার জন্য হচ্ছে, সুতির মধ্যে লাগিয়েই ঘুরছে, হ্যাঁ আমি সারাদিনই করতে থাকি, মানে আমি এখন আমার মোটামুটি আমাকে যদি 24 ঘন্টা দেয় আমি 24 ঘন্টাই করে যাবো, সময় ফেলে না আমার, তো সার্জিক্যাল হোলসেল আর ড্রেস পেশেন্ট আমার টেন্ডারের কাজ, অসুবিধা হয় না, কাজও কম করেছে, আর সাজিয়ে গেলে তো যেরকম চলতে সেরকম, ওই দুপুরে থাকি যখনই মাল হয় আমার পার্টনার আছে সঙ্গে, পার্টনারের সঙ্গে কাজ ও অ্যাডজাস্ট করে নিই, কাজের কোনো ক্ষতি আমার হচ্ছে না এই মুহূর্তে, সংসারেরও সেরকম হচ্ছে না, পাশে যা ওদের। লাগাতার চৌথি বার বিধায়ক বনে খগেশ্বর রায়। জলপাইগুড়ি জেলে কে রাজগঞ্জ বিধানসভা সিট সে তৃণমূল কংগ্রেস কে উম্মেদবার খগেশ্বর রায় চুনাও জিত গে।
चुनाव जीतने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग हमारे साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल में भाजपा के पैसे की ताकत के सामने हम लोग हार गए। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार खगेश्वर रॉय ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही खगेश्वर रॉय ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दीदी को हराया है। उन्होंने कहा, पूर्ण गणना होने पर दीदी जीतेंगी। जय माने एरकम जय चतुर्थ बारेर जन्य राजगंज विधानसभा मानुष चतुर्थ बारे जन्य तृतीय चतुर्थ बार राजगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी हमें सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस नेत्री हमें प्रार्थी हमें कर चतुर्थ बार जे एबार जयी कर राजगंज विधानसभा मानुष तार चतुर्थ बारे जयी हवार जन्य राजगंज विधानसभा आपामर जनगण जरा आपामर जरा भोटार जरा आ सबाई के अभिनंदन जाना जे चतुर्थ बारे जो जयी कर आज के ममता बनर्जी विधानसभा नहीं गए तार राजगंजबासी के सहस्त्र सहस्त्र धन्यवाद जाना और निश्चय हमें आशा रखब एवे चतुर्थ बारे जो जे जयी हो राजगंज विधानसभा मानुष चतुर्थ बारे जो जयी कराते एवे पाँच बसरे तीन तीन बारे जो उन्नयनमूलक जो काजटा कर তার ডবল আমি উন্নয়নের কাজ করব এই পাঁচ বছরে এটা আমরা দেখিয়ে দিতে উত্তরবঙ্গে কি বলবো উত্তরবঙ্গে এবার একটু খারাপ আবহাওয়া ছিল আর কি তার জন্য রেজাল্ট আমাদের খারাপ হয়েছে কিন্তু খারাপ হলো পরেও আজকে উত্তরবাংলা জলপাইগুড়ি জেলা আমরা তিনটা জিতেছি হ্যাঁ কুচবিহারও তিনটা জিতেছে আলিপুরে একটা জিতেছে আমাদের নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে অনেকগুলো কারণ উত্তরবাংলায় আমরা ঠিকভাবে আমরা সংগঠনটা সাজাতে পারিনি বলে আমরা হয়তো মনে হয় আমাদের কিছুটা দুর্বলতা হয়েছে এবং বিজেপি বিশেষ করে যেভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে সেই টাকার কাছে আমরা পরাজয় অ্যাকচুয়াল কিন্তু আমরা পরাজয় হইনি আমি অন্তত মনে করি জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি যে বিধানসভা আছে যদি বিজেপির মতো কোটি কোটি টাকা খরচা করতাম তাহলে আর সাতটা বিধানসভায় আমরা জিততাম কাজেই নরেন্দ্র মোদী কয়েকশো কোটি টাকা ঢেলে খরচা করেছে জলপাইগুড়ি কুচবিহার আলিপুর জেলা এবং দার্জিলিং জেলা তা টাকার কাছে আমরা হেরে গেছি কিন্তু মানুষের কাছে আমরা হেরে জানি যদি টাকা আমাদের থাকতো জলপাইগুড়ি কুচবিহার এবং আলিপুর যতগুলো সিট আছে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হতো তো বলেই দিলাম মানুষ হচ্ছে টাকার উপর নির্ভরশীল বর্তমান যুগে টাকা অর্থ যেদিকে যায় মানুষ সেদিকে যায় হ্যাঁ টাকার কাছে আমরা হেরে গেছি মানুষের কাছে হেরে যাইনি টাকার জন্য হেরে গেছি হ্যাঁ মানুষ কিন্তু দুয়ার তুলে আমাদের আশীর্বাদ করেছে হ্যাঁ আর নিশ্চয়ই দুয়ার তুলে যদি আশীর্বাদ না করতো 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে 2021 বিধানসভা নির্বাচনে 2019 2018 বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি अब लेते छोटा सा ब्रेक फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली जावा HTML DTP C++ पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है घर को स्वच्छ बनाइए आप भी अपनाइए डीप स्निमोल आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर Orchid Building, opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान लुकिङ फर एन अपर्चुनिटी टु वर्क इन जापान
We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी, उधर बाबुल सुप्रियो सहित बीजेपी के 3 सांसदों की हार, 19 दल बदलू भी नहीं बचा सके अपनी सीट। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार बंपर जनमत से ममता बनर्जी की वापसी हो गई है, लेकिन नंदीग्राम संग्राम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। TMC से बागी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें 1956 वोटों से हरा दिया। इसके साथ इस चुनावी दंगल में कई और दिग्गजों को भी उलटफेर का शिकार होना पड़ा, खास करके पाला बदलने वाले नेताओं को। पिछले 2 साल में TMC के करीब 17 विधायकों सहित 30 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इनमें से 13 विधायक सहित 19 चुनाव हार गए। ऐसे में अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आने वाले 5 साल इन दल बदलुओं के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इन नेताओं को टारगेट करती रही है। बीजेपी ने बंगाल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, उसने अपने 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें से लॉकेट चैटर्जी चुचुरा सीट से, स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से और बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव हार गए, जबकि निश्चित परमानी को देनहाटा सीट से जीत मिली है। इसके साथ ही अभिनेत्री पायल सरकार, अभिनेता यश दास गुप्ता और पूर्व IPS भारती घोष सहित कई दिग्गज चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में कई स्थानों में हिंसक वारदात, चोपड़ा में कई दुकानें व घरों में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य भर में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर राज्य भर में लूटपाट किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के स्थानों में लूटपाट व तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बदमाशों द्वारा रविवार देर शाम चोपड़ा के सोनपुर, माझियाली और चोपड़ा बाजार इलाके में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। चोपड़ा के भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की बातें सामने आ रही है। घटना को लेकर चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक तनाव और दहशत का माहौल है। हालांकि तृणमूल नेताओं ने घटना से जुड़े रहने से इनकार करते हुए कहा, हम शांति और विकास के लिए काम करते हैं। इस बीच चोपड़ा पुलिस हालत पर नजर बनाई हुई है। इधर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हमीदुल रहमान 4थी बार चोपड़ा विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा उम्मीदवार शाहीन अख्तर चुनाव हार गए। वहीं मतगणना की शाम तृणमूल समर्थित बदमाशों पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। मतगणना खत्म होने के बाद चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुकानें व घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया जा रहा है। ভাঙলো কালকে আমি ওইদিকে ছিলাম, তো ওখান থেকে আমি আমি বলতেছি ওদেরকে, দেখতে আমাদের দোকান বলে না না আপনার কমান্ড বলছে দোকান ভাঙে নাই ভাঙে নাই, দোকানটা এরকমই থাক এরকমই আছে, কিছু হয়নি। তারপরে শুনতেছি যে ভাঙে দিছে, আমার ছেলে আছে, বড় ছেলেটা আছে, দেখতেছে দোকানটা ভাঙছে।
আর ভাঙছে তো এমন ভাঙছে যে এরকম করে সরায় রাখছে। আমি যে তৃণমূল করি সবাই জানে, আমি তৃণমূল করি, আমার দোকানটা ভাঙলো কেন? যারা বিজেপি করে তাদের দোকানটা ভাঙলো না, আমার দোকানটা কেন ভাঙলো? আর তুই না শুনে হিন্দুদের দোকানগুলো ভাঙছে কেন? কিসের জন্য ভাঙলো হিন্দুর দোকানগুলো? আমি দল করি, আমি মহিলা সমিতি দল করি, আমি একা করে তৃণমূল পার্টি করি। কালকে তো লকডাউন ছিল, লকডাউন আমরা 5টার দিকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, বন্ধ করে চলে গেছিলাম আমরা। ঠিক সন্ধ্যা রাত্রে সব টিএমসির সব পার্টির লোকজন সব ঝামেলা করে সব ভাঙচুর করছে সব বাজারে, আমাদের সব গুদরি বাজারে সব সবজির দোকান সব আরও অন্য অন্য সব সব ভাঙচুর করে লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। বহু টাকার মাল ছিল আমার। না, আমি কোনো পার্টি টাটি করি না, কোনো পার্টিতে যাই না, আমি ব্যবসা করে খাই, আমি গরিব লোক, আমি সব ব্যবসার মধ্যে মানে সব কিছু করি। আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি করছে এগুলো সব, তাতে বোধ হয় সবাই যে লুটপাট করে নিয়ে গেছে সব রাত্রেবেলা। আমরা তো লকডাউনে চলে গেছি 5টার পরে দোকান বন্ধ করে, তারপরে রাতে সকালবেলা আসে দেখি সম্পূর্ণ লুটপাট করে নিয়ে গেছে সব, ভাঙচুর করে, মানে কিছু রাখি নাই, মানে একদম সম্পূর্ণ, মানে একদম একটা জিনিসও নেই এখন বর্তমানে। আমি সবজির দোকান করি, তা মোটামুটি 40-50 হাজার টাকা মাল ছিল কালকে, বিয়ের ডেট ছিল, মাল কাল ছিল দোকানে, প্রচুর টাকার মাল ছিল। দেখুন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি, তবে আমাদের আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি আমাদের পার্টি অফিস ভাঙছিল এবং মকসুদ রহমান তার হাত ভেঙে দিতে আপনারা জানেন, আমরা কিন্তু তার প্রতিবাদ করিনি। যে মানুষ আমাদের সাথে আছে, এরা তো এমনই অবস্থায় গেছে যে ক্ষমতা পেয়ে গেছে এরা, আপনারা জানি না কোথায় লুটপাট হয়েছে কিছু, আমার কাছে কোনো এখনও অবধি খবর আসেনি বা কোনো জনগণ আমার কাছে আসেনি যে তারা অসুবিধার মধ্যে আছে। আসলে সেটা দেখবো অবশ্যই, আমরা চাই না কারো ক্ষতি হোক, শান্তি বার্তা আমরা সবসময় আমরা মিটিং করেছি এবং প্রশাসনিক মিটিংও হয়েছে যে শান্তি বজায় রাখার জন্য। দেখুন, বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা হতে পারে কিন্তু লুটপাট হয়েছে এমন কিন্তু আমার কাছে কোনো খবর নেই। এবং এরা বিজেপি যা করেছে এর আগে পার্টি অফিস ভাঙচুর করা, এবং মকসুদ রহমান আগে বললাম একজন সিনিয়র নেতা তাকে জয় শ্রীরাম বলে হাত ভেঙে দিল, তাহলে হিন্দু মুসলমানের একটা দাঙ্গা ফাসাদ লেগে যেত, আমরা তো করিনি কখনো। দিদির মুখের দিকে চেয়ে শান্তির বাতাবরণ, আমরা চাই চোপড়াতে শান্তি থাকুক এবং জনগণ শান্তিতে ঘুরে বেড়াক, আনন্দ করুক, এটাই। এবং কোভিডের মধ্যেও আমরা বারবার বলেছি যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কোনো বিজয় মিছিলের আমাদের যতক্ষণ না পারমিশন আছে এবং কোনো পার্টি অফিসেও কোনো গ্যাদারিং নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামান্য আমাকে মিষ্টি মুখ করতে আসছে যে মহিলা দলের যারা আছে আজকে যারা আমাদের পার্টির হয়ে খাটছে, কিন্তু কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা তো ঘটেনি আমার অঞ্চল কমসে কম ঘটেনি। দেশ মে লাগ সকতা হ্যায় কমপ্লিট লকডাউন, কোভিড টাস্ক ফোর্স নে কি মাঙ্গ। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया केंद्र और राज्यों को सुझाव लॉकडाउन लगाने की सलाह। देश में पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आए। यह आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी ज्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। इस पर केंद्र सरकार सोमवार को फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि दोनों मेंबर्स एक हफ्ते से ये मांग कर रहे हैं। आईसीएमआर का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। संस्थान का कहना है कि इन स्थितियों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्तों का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। केंद्र ने आईसीएमआर और एम्स की राय पर कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्र बताते हैं कि 3 मई के बाद केंद्र इस पर फैसला ले सकता है। कहा जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं तो आंशिक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है। इस बीच देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों में सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण के हित में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।